हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे धनिया पुदीने की खट्टी हरी चटनी और हमारे मिथिला में बनाई जाने वाली इमली और सौंठ की मीठी चटनी, जिसको कि हम खटमीठी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और इसके बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। ये हमने धनिए को धो करके साफ कर लिया है अच्छी तरह से। धनिए का मोटा डंठल भी रहने दें, क्योंकि धनिए की चटनी में उसके मोटे डंठल की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो धनिए का डंठल नहीं फेंकें। पुदीना, पुदीने के पत्ते हमने तोड़ करके अच्छी तरह से साफ धोकर साफ कर लिए हैं। पुदीना का हम सिर्फ पत्ता रखेंगे, उसका डंठल हमें नहीं रखना है, क्योंकि पुदीने के डंठल से चटनी में एक हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए पुदीना बिल्कुल फ्रेश हो हमारा और उसके सिर्फ हमें पत्ते रखने हैं। इमली, इमली आप जितना खट्टा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से लें, और इसे थोड़ा सा पानी डाल करके हम भीगने के लिए रख देंगे 10 मिनट के आसपास। लहसुन 20 से 25 कली हमें छिली हुई लहसुन चाहिए। हरी मिर्च आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से लें, और नमक स्वाद अनुसार। आइए इसे अब पीस करके चटनी बना लें। अब इन सभी को इकट्ठे हमें चटनी पीस लेनी है, तो इसके लिए हम धनिया डालेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार रखना है। लहसुन, लहसुन अगर आप नहीं खाते हो तो आप लहसुन स्किप कर सकते हैं, लहसुन कंपलसरी नहीं है। साथ में हरी मिर्च, हरी मिर्च भी आप जितना तीखा खाना पसंद हो उस हिसाब से रखें। ये काफ़ी कम तीखी है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा मिर्च रखी है। और इमली, हमने जो भींगने के लिए इमली दिया था उसको हम हल्का सा मल लेंगे और इसमें जो भी बीज है उसे हम निकाल कर फेंक देंगे। और खट्टा आप जितना खाना चाहें उस हिसाब से इमली की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पुदीने का पत्ता, इसी तरह से पुदीने का सिर्फ पत्ता ही रखना है, डंठल बिल्कुल नहीं रखें। इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल करके हमें एक थिक पेस्ट बना लेना है। इसकी चटनी गाढ़ी हमें बनानी है, पतली चटनी हमें नहीं बनानी है। तो पानी हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। ये देखिए हमारा चटनी तैयार है। तो इसी तरह से थिक चटनी आपको भी पीसना है और इसे बना करके आप फ्रिज में रख लें। अगर इसे बाहर में आप रखेंगे तो 1 से 2 दिन ही ये चल पाएगा, लेकिन अगर इसे आप फ्रिज में रखते हैं तो ये कई कई दिनों तक इसी तरह से ताज़ा ही बना रहेगा। अब हम बनाएंगे हमारी दूसरी चटनी, इमली और सौंठ की खटमिट्ठी। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसको भी बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। अब हम खटमिट्ठी बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए इमली। इमली हम 250 ग्राम लिए हैं। इसे पानी के साथ कम से कम आधा घंटा हमें भिंगो करके रखना है। इसे हम ढक करके अब भींगने के लिए रख देते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं सौंठ, ये लगभग 25 ग्राम सौंठ है। इसे हमें कूट करके इसका बिल्कुल ही बारीक पाउडर हमें मिक्सी में बनाना है, लेकिन चूंकि ये बहुत हार्ड होता है, सौंठ को कूट करके हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि पीसने में आसानी हो। इसे इस तरह से हमें कूट लेना है और उसके बाद हमें इसे मिक्सी में पीसना है। इसे छोटे टुकड़े कर लेने से बहुत ही आसानी से पीस भी जाएगा और बिल्कुल बारीक पाउडर चूंकि हमें इसका बनाना है तो मिक्सी का ब्लेड भी खराब नहीं होगा, तो इसलिए इसे इस तरह से कूट लें। ये देखिए हमने इसके बारीक पाउडर बना लिए हैं।
250 ग्राम हमारा इमली है, तो गुड़ हम 400 ग्राम लिए हैं, और इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, नमक, ये 2 टेबलस्पून नमक है, फोरन के लिए हमें चाहिए सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, हींग और 5 फोरन। 5 फोरन क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता हो ये कैसे बनाते हैं, तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वो देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो आइए अब बनाना शुरू करें। ये जो हमने भींगने के लिए इमली दिया था, इसे इस तरह से हल्का सा इसे मिक्स कर देना है, ये अच्छी तरह से पहले से भींगा हुआ है, भींगकर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है, तो इसे थोड़ा सा हल्का सा इसे यहाँ पे मिक्स कर लेना है, और अगर बीज हो तो उसे आप निकाल कर फेंक दें। गैस हमने ऑन कर लिया है, यहाँ पे हमें सबसे पहले से फोरन हमें पकाना है, तो इसके लिए हम यहाँ तेल लेंगे, तेल सरसों का हम लिए हैं, और कोशिश करें कि आप भी ये सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि सरसों के तेल में ही इसका जो एक ऑथेंटिक टेस्ट है वो मिलेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम फोरन डाल देंगे। तेज पत्ता, लाल मिर्च, पांच फोरन, पहले हल्का सा इन सबको थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग। अब हम यहाँ इसमें हींग डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाना है हमें, हल्का सा इसे लाल होने तक पकने देना है। फोरन हमारा लाल हो चुका है, तो अब हम यहाँ इसमें इमली डाल लेंगे। और बाकी की चीजें भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो भी हमारा बाकी का मसाला और गुड़ है वो हमें यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है। गुड़ आप देसी गुड़ ही ले, ये जो ब्राउन वाली देसी गुड़ आती है खटमिठी के लिए, ये देसी गुड़ ही लेना है हमें। तो हल्का सा इसके साथ मिक्स कर देंगे और यहाँ पे अब सारे बाकी के जितने भी मसाले हमें डालने हैं वो डाल करके इसे हमें अब पकाना है। यहाँ पे हल्दी, नमक, बीच बीच में हमें चलाते रहना है इसे, और तेज आंच पर ही अभी हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर। और अब हम डाल लेंगे यहाँ इसमें जो सौंठ की हमने पाउडर बनाई है, वो सौंठ की सारी पाउडर हमें यहाँ इसमें डाल मिक्स कर लेना है। अभी इसे कम से कम हमें मीडियम आंच पे
15 से 20 मिनट तक ढककर पकाना होगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से गुड़ भी पिघल जाएगा इसका, और इसका बहुत ही सुंदर सा कलर आ जाता है। सभी मसालों के साथ इसे अभी हमें ढक करके धीमी आंच पर हम अब इसे कम से कम 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट करीब हो चुका है, तो देखिए आप सारा गुड़ पिघल चुका है और सोंठ के साथ वो पक करके इसका कलर कितना सुंदर हो गया है। तो इसी तरह से धीमी आंच पर ही 20 मिनट तक इसे पकने के लिए ढककर छोड़ देना है, और उसके बाद आप देखें ये पक के तैयार हो गया। इसी तरह अभी कम से कम इसे हम 5 मिनट तक तेज आंच पर हल्का सा इसे चलाएंगे, और अब ये तैयार है। तो यहाँ पर अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे ढक करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है, इसके ऊपर जाल रख दें और इसे बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठंडा होने दें। ये हमारा खटमिट्ठी तैयार है। इसे आप इस तरह से अगर किसी बर्तन में निकाल करके बाहर में रखते हैं तो ये 15 से 20 दिनों तक ये बिल्कुल ही खराब नहीं होगा। आप बाहर में रखकर इसे ढककर 15 से 20 दिनों तक खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से किसी कांच के बॉटल में भर करके फ्रिज में रख लेंगे तो ये कई कई महीनों तक इसी तरह से इसका स्वाद बना रहता है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जब भी आपको यूज़ करना हो आप उतना ही निकालें और रूम टेम्परेचर पर आने दें उसे, उसके बाद आप इसे यूज़ करें। ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है, ये आप जितनी मात्रा में चाहें बना करके रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ये हरी चटनी और खटमिट्ठी दोनों ही बनाएं, खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लोगों से शेयर कर दें वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो हम डालें तो आपको उसकी जानकारी मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मिथिला के किसी नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।